पार्टीशन कोऑर्डिनेट तो हमने सीखा है, एक्स और वाई, एक्स कॉमा वाई पॉइंट को हम वहां रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है। लाइक यहाँ पे जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी या एक्स प्लस आई वाई जब हम लेते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करें, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे है। इसके लिए हमने एक इमेजिनरी प्लेन कंसिडर किया है जिसको बोलते हैं आर्गंड प्लेन। ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस आर्गेंट प्लेन में मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है, जैसे हमने ये एक्स वाई और एक्स एक्स वाई एक्सिस लिया, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और मुझे यहाँ पे एक्स प्लस आई वाई रिप्रेजेंट करना है। ठीक, तो ये एक्चुअली वो पॉइंट, अगर 2D प्लेन में हम रिप्रेजेंट करें तो वो एक्स कॉमा वाई होगा। तो जो 2D में एक्स कॉमा वाई पॉइंट रिप्रेजेंट करता है वही आर्गेंट प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आई वाई रिप्रेजेंट करता है। तो कंसीडर अ पॉइंट पी हियर जिसका ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस y है, तो ये हो जाएगा x कॉमा वाई। तो ये z जो है वो op वेक्टर से आता है। तो अगर कोई बोले कि मॉडुलस ऑफ z क्या होगा, यानी कि z का मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस क्या होगा, मॉडुलस ऑफ z इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। तो वो मॉडुलस क्या होता है, ये डिस्टेंस बताइए, ये ओरिजिन का डिस्टेंस पॉइंट है 0,0 और ये पॉइंट है x, y, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा OP और ये डिस्टेंस हो जाएगा x माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का स्क्वायर का रूट, तो ये मॉड z है। और ये जो z है वो OP वेक्टर से z वो हो जाएगा x प्लस आई वाई। ठीक है, जैसे मुझे 2+i3 रिप्रेजेंट करना है z1, 2+3i, तो ये 2 और ये 3, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर 2+3i z1। ठीक है, फिर वैसे ही आप कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हो। नंबर 3i का आप ग्राफ पे कैसे करेंगे, ये 2 है 1 और 2 और हाँ। ये है 1 2 3, आप यहाँ पे लिख लो इमेजिनरी y एक्सिस इज कंसीडर्ड एज इमेजिनरी एक्सिस। आप यहाँ पे लेंगे 3 तो ये ऑटोमेटिकली 3i ही है, ये रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने इसको इमेजिनरी एक्सिस ही माना है, तो इसके अलोंग जो भी लोगे उसमें i अपने आप आ जाएगा। ऐसे नहीं कि i के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम करना है। ठीक है, हमें यहाँ रिप्रेजेंट करना है कि ये पॉइंट कहाँ पे है। सो दिस इज कॉल्ड रियल एक्सिस एंड दिस इज इमेजिनरी एक्सिस। बस उसके बाद जो हमने पहले सीखा है 2D प्लेन में रिप्रेजेंट करना एग्जैक्टली वैसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको मॉडुलस बता दिया, मैंने आपको ये बताया। अगर हम वो 2+3i को सॉल्व करके अब पॉइंट्स ले तो 2+3i को सॉल्व करने का क्या मतलब है, 2+3i इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका रियल पार्ट 2 है और इमेजिनरी पार्ट 3 है, इसके आगे आप क्या सॉल्व करोगे? तो नहीं कि i की वैल्यू डाल दे -1। बस तो आई की वैल्यू आप -1 रूट डालोगे, उसके बाद बस उसके बाद कुछ नहीं। तो यही तो कहा गया है कि जिसके में ये लगा रहे उसको हम इमेजिनरी एक्सिस में लेंगे और जिसमें ये लगा रहे ये कुछ ना लगा रहे वो हम रियल एक्सिस में लेंगे बस। जैसे हाँ एक्स वाई रिप्रेजेंट करते थे हम 2D प्लेन में, यहाँ पे एक्स वाई एक्स कॉमा वाई क्या हो जाता है, एक्स प्लस आई वाई माना जाता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ से मॉडुलस सीख लिया आपने, अब हम एक काम आपको देते करने को, आप ये बताइए जेड जेड बार क्या होगा। जेड बार आपको पता है, जेड पता है, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए और देखिए क्या होता है। Consider z is equal to x plus iy.
देन जेड बार वुड बी व्हाट, जेड बार मस्ट बी एक्स माइनस आई वाई, यही तो होता है जेड और जेड बार। अब यहाँ पे जेड जेड बार करेंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई, मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स इंटू एक्स बिकम्स एक्स स्क्वायर, फिर एक्स इंटू आई वाई ये हो जाएगा माइनस, या फिर ऐसे करो ना ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जेड जेड बार मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये आई स्क्वायर माइनस वन है, माइनस वन माइनस बिकम्स प्लस, सो जेड जेड बार इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि मॉड जेड क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, तो अब इसका स्क्वायर करने पे ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज मॉड जेड स्क्वायर। सो वन रिजल्ट यू गेट हियर, जेड जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर, जेड जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर। तो यहां से आप जेड बार की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, मॉड जेड स्क्वायर बाई जेड। आगे बढ़ते हैं, तो एक बार ये क्लियर हो गया, जेड जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर। फिर यहाँ पे आइए, जेड प्लस जेड बार बताइए क्या होगा, एक्स प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई टू एक्स, बट एक्स तो कुछ है नहीं, टू ऑफ रियल जेड ऐसे लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ रियल जेड, जेड माइनस जेड बार एक्स प्लस आई वाई माइनस एक्स माइनस आई वाई, एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा टू आई वाई, तो हम लिखेंगे टू आई इन टू इमेजिनरी जेड। फिर हम लिखते हैं जेड बार, फिर उसका फिर से बार कर देते हैं, तो ये क्या होता है, जेड बार का मतलब एक्स प्लस आई वाई पहले जेड था, उसका बार लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स माइनस आई वाई, फिर उसका फिर से बार लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स प्लस आई, तो जेड बार बार इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, यानी कि वापस ये क्या हो गया, जेड हो गया। दो बार बार लगाने पे कॉम्प्लेक्स नंबर चेंज नहीं होता, वही रह जाता है। ठीक है, ये सारे बातें थी, अब हमारा काम है बेसिकली क्वेश्चन करना, इन सब की हेल्प से वो हम करेंगे अभी। देखिए, फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड फॉर विच, फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड फॉर विच जेड प्लस वन इज इक्वल टू जेड प्लस टू वन प्लस आई। तो ऐसे में क्या करेंगे, जेड को हम लोग मान लेंगे एक्स प्लस आई वाई और फिर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से जेड प्लस वन लेना है, तो एक्स प्लस आई वाई प्लस वन लिया, मॉड किया, ठीक है, फिर राइट साइड में एक्स प्लस आई वाई प्लस टू टाइम्स टू प्लस टू वाई। अब यहाँ देखिए, वाई आई इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पूछूं इसका रियल पार्ट कौन सा है, तो मैं क्या बोलूंगा, x प्लस वन, एक्स प्लस वन इसका रियल पार्ट है। अच्छा मुझे ये बताओ, जब z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है तो मॉड z क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे रियल, एक्चुअली इसको हम ये लिख सकते हैं, रियल z स्क्वायर प्लस इमेजिनरी z स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ भी रियल z क्या है, x प्लस वन है,
एक्स नहीं है, सो एक्स प्लस वन स्क्वायर प्लस इमेजिनरी जेड स्क्वायर। तो हमने क्या किया, मॉड लिखा है तो रूट लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे रियल पार्ट को एक तरफ और इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ, ये लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करें कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तभी ये रूट हटेगा और हम आगे बात कर सकते हैं। इसका स्क्वायर कीजिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये तो मॉड है ना, ये मॉड है, मॉड हमने एक बताया ना, मॉड क्या होता है, तो दिस बिकम्स x प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हाँ, यहाँ से x माइनस टू का स्क्वायर माइनस वाई माइनस टू का स्क्वायर, तो यहाँ से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फोर और फोर कैंसिल हो जाएगा, प्लस टू एक्स माइनस टू वाई, फिर प्लस टू आई एक्स प्लस टू एंड वाई प्लस टू, ये हो गया खत्म। अब यहाँ से आपको ये माइनस क्यों आ रहा है, मुझे इस पर डाउट लग रहा है। हाँ नहीं, ठीक आ रहा है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू वाई प्लस टू आई इंटू दिस मच, ठीक है, देख लेंगे। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, टू एक्स भी कैंसिल हो गया, और क्या क्या कैंसिल हो रहा है देखते हैं, यहाँ पे सिर्फ वन रहा और कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर कैंसिल, टू एक्स भी कैंसिल, सिर्फ वन है यहाँ पे, वन इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस टू आई इंटू एक्स प्लस टू इंटू वाई प्लस टू। तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या दिख रहा है आपको, ये, और देखो मैंने बोला था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इक्वेट तब कर सकते हैं जब उसका रियल पार्ट रियल के इक्वल हो, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल हो। लेफ्ट साइड में तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, राइट साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप यहाँ पे वन को क्या समझेंगे, आप समझेंगे वन प्लस जीरो आई, तो यहाँ पे रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल करना पड़ेगा, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस टू वाई को वन के इक्वल करना पड़ेगा। इसका मतलब वन वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाई वाई प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से वाई की वैल्यू माइनस वन मिल जाएगी। सो नाउ यू गॉट वाई इज इक्वल टू माइनस वन। अब इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल करेंगे, तो एक्स प्लस टू इंटू वाई प्लस टू, और वाई तो माइनस वन पहले से ले चुके हैं, मतलब इसको इसके इक्वल करेंगे जीरो के, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट जीरो है। तो एक्स प्लस टू माइनस वन प्लस टू टू टाइम्स एंड दिस इज इक्वल टू जीरो, सो ये हो गया टू माइनस वन वन, तो फाइनली क्या मिला आपको, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाई एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, सो आपको क्या मिल गया, जेड इज इक्वल टू माइनस टू प्लस माइनस आई माइनस वन आई, ये आंसर है, नोट कर लीजिए, कहीं दिक्कत है तो बताइए। बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं लग रहा। हाँ ये लेंदी है, x प्लस आई को लेके करने पे इतना तो होता ही है।
एक और ऐसा कर लेते हैं, मॉड जेड प्लस जेड इज इक्वल टू टू प्लस आई। जेड को एक्स प्लस आई वाई मानो और आगे बढ़ो। सिर्फ ये कर सकते हैं, मॉड जेड लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, फिर जेड लिखा एक्स प्लस आई वाई और टू प्लस आई, इक्वेट की रियल पार्ट को रियल पार्ट पे इक्वेट किया और इमेजिनरी पार्ट वाई इज इक्वल टू वन। बस वाई तो वन आ गया एक बार में, ये उससे आसान है, वो वाई यहाँ पे यही था, यहाँ पे आई था, तो वाई की वैल्यू वन एक बार में आ गई। अब इस वन को सीधा यहाँ पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू इमीडिएटली आ जाएगी, सो कीजिए हो जाएगा। Prove that z cube plus 3z square minus 9z plus 8 is equal to 1 plus 49. तो यहाँ पे y की वैल्यू 1 ली, this becomes x square plus 1 root plus 1 is equal to 2. तो मेरा आंसर minus 1 आ रहा है। x square 0 आ गया, x 0 आ गया यहाँ पे।
एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स की वैल्यू यहाँ एक्स लेनी थी ओके ए टू फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टू माइनस एक्स ठीक है अब स्क्वायर करेंगे बोथ साइड्स तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वन ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और फोर एक्स इधर आ गया ये हो गया फोर माइनस वन इन थ्री तो एक्स इज इक्वल टू थ्री बाई फोर एंड वाई इज इक्वल टू वन बस हो गया एक्स वाई की वैल्यू आ गई काम खत्म यही चाहिए था जेड थ्री बाई फोर प्लस आई अब ये काम है जेड इज इक्वल टू टू प्लस आई तो प्रूव दैट दिस इसमें मैं एक हिंट दे देता हूँ आपको कि सबसे पहले यहां से हम देखेंगे जेड माइनस टू इज इक्वल टू आई फिर यहां से हम इसको अगर स्क्वायर करते हैं तो मुझे मिलता है ए स्क्वायर माइनस फोर जेड प्लस फोर इज इक्वल टू आई स्क्वायर यानी कि माइनस वन तो जेड स्क्वायर माइनस फोर जेड प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो ये मिला अब इसका हेल्प लेना यहाँ पे जेड डालोगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा क्यूब निकालो फिर स्क्वायर निकालो जो इतना जेड स्क्वायर प्लस फोर जेड प्लस माइनस फोर जेड प्लस फाइव है अब हम उसमें तो डाल सकते हैं ना जेड की वैल्यू हाँ इसमें डाल के फायदा क्या है हमें एक्चुअली इसकी वैल्यू चाहिए हमें इस एक्सप्रेशन में विल यूज दिस इस एक्सप्रेशन में इसको यूज करेंगे फिर आसानी से ये इसके इक्वल आ जाएगा तो यही इतना ही आंसर है अभी नहीं अभी तो मैंने थोड़ा सा बताया तो यहां समझ में आया कि जेड स्क्वायर माइनस फाइव जेड फोर जेड प्लस फाइव जीरो आ गया हमें चाहिए ये नोट कर लिया होगा हमें इसकी वैल्यू चाहिए जेड क्यूब और इसकी तो हम क्या करते हैं इसमें से इसको निकालने की कोशिश करते हैं किसमें से इसमें से जेड क्यूब प्लस थ्री जेड स्क्वायर माइनस नाइन जेड प्लस एट इसमें ये निकालने की कोशिश करते हैं जेड कॉमन लिया यहाँ पे ये हो गया जेड स्क्वायर माइनस फोर जेड प्लस फाइव तो ये जेड क्यूब हो गया माइनस फोर जेड स्क्वायर हो गया प्लस फाइव जेड हो गया तो एक्चुअली ये हो गया माइनस फोर जेड स्क्वायर तो मुझे यहाँ पे सेवन जेड स्क्वायर डालना पड़ेगा सेवन जेड स्क्वायर माइनस फोर जेड स्क्वायर ये हो गया थ्री जेड स्क्वायर फिर यहाँ फाइव जेड है यहाँ पे फिर सिक्सटीन जेड डालना पड़ेगा ठीक है ये हो गया तो माइनस नाइन जेड आ गया बस और फिर प्लस एट जेड और ये जेड स्क्वायर माइनस फोर जेड प्लस फाइव रहने दीजिए क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो है बड़ी आसानी से ये खत्म हो जाएगा यहां से फिर भी निकल के आ रहा है जेड स्क्वायर कॉमन यहां पे मैं फोर जेड लिखूंगा फिर प्लस फाइव मैंने जबरदस्ती लिख दिया तो यहाँ माइनस ट्वेंटी एट जेड आ गया ट्वेंटी एट जेड तो था नहीं मुझे कुछ एक्स्ट्रा इसमें से हट सब्ट्रैक करना पड़ेगा कितना करना पड़ेगा सब ट्रैक 28 और 16 12 जेड का काम करना पड़ेगा तो प्लस 12 जेड अगर आपने कर दिया पूरा हो जाएगा सब तब समझ आएगा 28 जेड एंड प्लस 20 या माइनस 28 जेड माइनस 28 प्लस 12 तो ये हो जाएगा 6 एंड 1 माइनस 16 जेड माइनस 16 जेड ठीक है फिर 7 5 जा 35 बट यहाँ तो 8 ही था तो इसलिए मुझे उसको कॉम्पनसेट करने के लिए माइनस 35 मैंने ले लिया है ना 28 ले लिया था तो हाँ अब 35 ले लिया उसमें से माइनस करने के लिए 27 हटाना पड़ेगा सर समझ नहीं आया इसको जीरो दे दिया ना ये जीरो दे दिया तो इसका हेल्प लेना है मुझे इसमें तो मुझे इसमें से जितना बार कॉमन हो सके निकालना है या फिर सिंपल तरीका सोचो अगर ये फैक्टर क्लियर नहीं हो रहा तो मैं क्या करूंगा जेड स्क्वायर माइनस फोर जेड प्लस फाइव जेड से इससे इसको डिवाइड करूंगा सीधा डिवाइड करेंगे तो यही आएगा अब डिवाइड कर लो सिंपल जैसे ये डिवीजन है फोर जेड प्लस फाइव जेड क्यूब प्लस थ्री जेड स्क्वायर माइनस नाइन जेड प्लस एट ये क्या आएगा मैं लिख देता हूँ ये आएगा जेड प्लस सेवन इंटू जेड स्क्वायर माइनस फोर जेड प्लस फाइव यहाँ पे आएगा जेड प्लस सेवन और यहाँ पे ऐसे करके रिमाइंडर आने वाला है 12z माइनस 27 तो ऐसे हम लोग कर लेते हैं ऐसे भी कर सकते हैं तो z प्लस सेवन इंटू दिस प्लस 12z माइनस सेवन भी आ गया
यहाँ पे इसकी वैल्यू तो जीरो गिवन ही है, ये जीरो गिवन है, तो ये हो गया z प्लस सेवन इंटू जीरो प्लस 12z माइनस सेवन, ये आ रहा है। अब हमें z की वैल्यू पुट करके यहां तक पहुंचना है, तो z की वैल्यू तो 2 प्लस i है। अब एक्चुअली ये सब जो एक्सप्रेशन था, ये एक्सप्रेशन रिड्यूस होके छोटा सा ये हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो थी तो इससे तो छोटा हो गया, ये 12z माइनस सेवन हो गया। ट्वेल्व जेड पुट करेंगे 2 प्लस आई, तो विल सी कि यहाँ 24 आ रहा है प्लस 12 आई आ रहा है, तो क्या आ रहा है यहाँ पे 1 तो 12 जेड माइनस सेवन, माइनस 27 था ना, 7 कैसे आ गया, तो 14 माइनस 27 माइनस 3 प्लस 2i, कुछ गड़बड़ है पहले से देखते हैं, जेड क्यूब प्लस 3z स्क्वायर माइनस 9z प्लस 8 इज इक्वल टू 1 प्लस 14i, ये प्रूफ करना है, जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 5 जीरो है, जेड प्लस 7 प्लस 14z माइनस, यहाँ पे 14 है तो इसको आप देखिए, ये 7 जेड स्क्वायर 7z स्क्वायर तो ठीक है माइनस 28 था, लेकिन यहाँ पे तो 16 है, ये 16 सच में है क्या, ये z क्यूब था फिर यहाँ 4z स्क्वायर से अगर अच्छे से डिवाइड करोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिंपल डिवाइड करने पे आसान सा आंसर आने वाला है, तो ये हो गया 4z स्क्वायर माइनस 4z स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्चुअली में 3z स्क्वायर था इसलिए 7z स्क्वायर ले लिया, ठीक है। फिर यहाँ 5z है और यहाँ पे माइनस 9z है, तो माइनस 14 लेना था ना यहाँ पे, तब तो वो होगा, ये आ गया 5z और ये हो गया 14z, तो 5z माइनस 14z ही तो माइनस 9 होगा, 16 करने पे तो 11 हो जाएगा, तो ये गलती हुई थी, तो 7z स्क्वायर माइनस 2z, लेकिन हमें तो 4z चाहिए, तो 28 फिर यहाँ पे 14 रह जाएगा, 14 रह जाएगा, हाँ ठीक है, अब ठीक है मेरे ख्याल से, बट फिर भी यहाँ 1 चाहिए, तो 35, यहाँ 8, 35 मैंने अपनी तरफ से लिया है तो इसलिए मुझे माइनस 27 करना पड़ेगा, तभी वो 8 आ जाएगा, ठीक है। सो 14z माइनस 27, 14z माइनस 27, प्लस 14i माइनस 27, सो दिस बिकम्स 1 प्लस 14i रूट, ठीक है, ये गलती हुई थी यहाँ पे, 16 ले लिया था मैंने, आगे बढ़ते हैं, डाउट है तो कुछ पूछ लीजिए इस पे, ये अगर ऐसे नहीं हो रहा आप इसको डिवीजन करके कर सकते हैं बड़ी आसानी से, कुछ भी नहीं है, और इसका हम यूज करेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन में, बस यही है, इफ एक्स प्लस आई वाई बाई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू ए प्लस आई बी बाई ए माइनस आई बी, prove that what x square plus y square is equal to 1, बहुत लंबा पड़ रहा है। नहीं, बहुत आसान है,
आपको एक बात बताई गई है शायद, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जेड वन बाई जेड टू, इसका मॉड लेंगे तो दिस इज इक्वल टू मॉड जेड वन बाई मॉड जेड टू, ये प्रॉपर्टी होती है। फिर अगर जेड वन जेड टू का प्रोडक्ट हो और इसका हम दोनों तरफ मॉड लेते मतलब मॉड लेते हैं तो दिस इज इक्वल टू जेड वन मॉड इंटू जेड टू मॉड, ये होता है। जैसे जेड वन ले लिया ए प्लस आई बी और जेड टू ले लिया सी प्लस आई डी, ठीक है, तो अब इसका मॉड ले रहे हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा ए सी, इसको प्रूफ आसानी से कर सकते हैं, तो ये इसके इक्वल आसानी से आ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मॉड ले लो आप, तो मॉड ले लो पहले दोनों तरफ फिर स्क्वायर कर दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए प्लस आई बी का मॉड फिर ए माइनस आई बी का मॉड, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कट गया ये वन आ गया, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो गया वन हो गया। प्रूफ, बहुत देर से लेंदी क्वेश्चन हो रहा था, मैंने सिंपल क्वेश्चन दे दिया। तो दो स्टेप करने थे। हाँ लिखे, शो दैट वन माइनस आई पावर एन, वन माइनस वन बाई आई पावर एन इज इक्वल टू टू पे पावर एन। For all n belongs to natural number. n क्या है? Natural number. सारे n के लिए true है। हाँ तो सिंपल है, सॉल्व कीजिए, जब ये एक साथ है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे वन माइनस आई एंड वन माइनस वन बाई आई, और ये एन है और ये भी एन है, दोनों का पावर होल एन हो गया। ठीक है, अब ये वन माइनस आई है और यहाँ पे भी आई माइनस वन बाई आई है, इसका पावर एन कर दिया, तो ये एक्चुअली हो जाएगा वन माइनस आई का होल स्क्वायर अंदर ही अंदर। अब इसको ब्रेक करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी बाई आई, ठीक, अब इसका पावर एन कर दिया, तो वन प्लस आई स्क्वायर यानी कि ये माइनस वन है ये वन है, कैंसिल हो गया, ये आई से आई कैंसिल हो गया, तो ये फाइनल आंसर क्या मिला आपको, माइनस टू का पावर एन, तो मुझे माइनस अच्छा नहीं लग रहा, टू का पावर एन चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है वो देखते हैं। आई माइनस वन है यहाँ पे,
और यहाँ पे वन माइनस आई है, तो यहाँ पे जो माइनस कॉमन लिया गया इस दोनों को वन माइनस आई कर दिया गया, यहाँ पे गलती हुई है। वन माइनस आई यहाँ पे फिर से कर दो वन माइनस आई, और उसके लिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, जिसके बाद का सॉल्यूशन आप यहाँ देखिए, इसका पावर एन है। अब जो आप अंदर लिख रहे हैं वो है माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू आई बाई आई और इसका पावर एन। तो अब ये दोनों कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस टू आई बाई आई पावर एन, आई से आई कैंसिल, टू पे पावर एन। कोई भी एन हो, फाइव हो, सेवन हो, सबके लिए यही आंसर होगा, टू पे पावर एन। अगर एन फाइव हुआ तो टू पे पावर फाइव, एन सेवन हुआ तो टू पे पावर सेवन, एन सिक्स हुआ तो टू पे पावर सिक्स, सबके लिए वही होगा। राइट क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन फॉर विच, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन फॉर विच वन प्लस आई पावर टू एन इज इक्वल टू वन माइनस आई पावर टू एन। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन फॉर विच बोथ ऑफ देम आर इक्वल, नहीं आ रहा। देखते हैं इसको, हम ये भी बोल सकते हैं वन प्लस आई बाई वन माइनस आई पावर टू एन इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो हमें एन की वैल्यू चाहिए, सो व्हाट इज इनसाइड दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ। इसका वन प्लस आई से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, पावर टू एन पहले से था अभी भी है, ये हो गया वन प्लस आई स्क्वायर, और यहां पे ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पावर टू एन, एलएचएस लेके चल रहे हैं हम लोग। तो ऊपर है ए स्क्वायर वन प्लस आई का स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी बाई वन माइनस आई स्क्वायर, तो वन माइनस माइनस वन पावर टू एन, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया टू आई, और वन माइनस माइनस वन ये टू हो गया, टू से टू कैंसिल पावर टू एन। फिर आई स्क्वायर ओके पावर एन, तो इसकी वैल्यू राइट साइड में वन चाहिए, ये माइनस वन का पावर एन है, तो n की लीस्ट वैल्यू कितनी होगी जब यहाँ पे, या फिर ऐसे कर सकते हो यहाँ पे आया i, तो i का पावर 2n, ये वैल्यू 1 कब होती है जब 2n कम से कम 4 होता है या फिर 0 होता है, तो n 0 नहीं ले सकते, कहीं नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ से 2n को आप 4 ही ले सकते हो, तभी ये i पे पावर 4 ही 1 होता है ना, i पे पावर 2 तो माइनस 1 होता है, इसलिए 2n को 4 होना पड़ेगा, तो यहां से n की वैल्यू 2, द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू फॉर n इज 2, इफ n इज अ नेचुरल नंबर, इफ n इज एनीथिंग एनी होल नंबर, इफ इफ वी आर यू नो अलाउड टू टेक देन n मस्ट बी 0, बट यहां पे n नेचुरल नंबर है तो n 2 होगा।
ए प्लस आई बी इज इक्वल टू सी प्लस आई बाई सी माइनस आई वेयर सी इज रियल. Prove that a square plus b square is equal to 1 and b by a is equal to 2c by c square minus 1. देखिए पहला तो बड़ा आसान है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले किया था, विल टेक मॉडुलस ऑन बोथ साइड. फिर मॉडुलस का स्क्वायर ले लेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा सी प्लस आई सी माइनस आई. तो दोनों का मॉड अलग अलग और फिर स्क्वायर, तो ये हो गया सी स्क्वायर प्लस वन, ये हो गया सी स्क्वायर प्लस वन. तो क्या मिल गया यहाँ से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ये प्रूफ हो गया. दूसरा पार्ट है वो देखते हैं. टू सी बाई सी स्क्वायर प्लस वन, तो ए प्लस आई भी तो है यहाँ पे, यहाँ पे है सी प्लस आई एंड सी माइनस आई. इसको पहले कंजुगेट कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेते, ए प्लस आई बी बिकम्स सी प्लस आई स्क्वायर एंड सी माइनस आई सी प्लस आई, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए प्लस आई बी, अब इसको ब्रेक कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू सी आई बाई सी स्क्वायर माइनस माइनस वन. ए प्लस आई बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस वन प्लस टू सी आई, नीचे सी स्क्वायर प्लस वन. तो क्या बोला जा रहा है, ए बाई बी की वैल्यू. तो देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है और बी की वैल्यू कितनी है. कॉम्प्लेक्स नंबर को जब इक्वेट करते हैं तो इसका रियल पार्ट इक्वल होता है. दिस इंप्लाई ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस वन बाई सी स्क्वायर प्लस वन एंड बी इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट के इक्वल 2c by c square plus 1, है ना. इसको रियल पार्ट को अलग करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे. तो यहां से b मिल गया, यहां से a मिल गया. अब क्या लिखेंगे, b by a चाहिए मेरे को. b by a क्वेश्चन में लिखा होगा आपने, b by a. तो b को ये लिखा, a को ये लिखा, तो दोनों से c square plus 1 निकल गया, तो 2c by c square minus 1 ये हो गया, ये प्रूव हो गया. एक होमवर्क है, जेड इज इक्वल टू टू माइनस थ्री आई
देन प्रूव दैट जेड स्क्वायर माइनस फोर जेड प्लस 13 इज इक्वल टू जीरो एंड हेंस deduce that four z cube minus three z square plus 169 is equal to zero. एक और क्वेश्चन लिखिए सॉल्व रियल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. ये दोनों इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करना है. जैसे इसमें भी एक्स है वाई है, इसमें भी एक्स है और वाई है, दोनों को सॉल्व करना है. तो क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. एक और होमवर्क फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इफ मॉड जेड इज इक्वल टू z plus 1 plus 2y, find z. नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में इसको करके आना है और बाकी चीजों को रिवाइज कर लें. फिर आगे बढ़ेंगे, पोलर रिप्रेजेंटेशन है और भी चीजें हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में करेंगे. अभी के लिए इतना ही. चलो कुछ पूछना है तो पूछ लो, मैं एंड कर रहा हूँ. ओके गुड.